नमस्कार प्रथम खबर सहित अपूर्व प्रथम हेडलाइंस लोकसभा 127तम संविधान संशोधन बिल पारित राज्यगुड़ी ओबीसी तालिका प्रस्तुतिर अधिकार मिलवा दिगरे बढ़ला आउ एक पाद बिल सपक्ष में पड़ा 386 भोट केही करिन थिले विरोध आज अनुष्ठित हेब सीआईएर वार्षिक बैठक संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी चलित बर्षर थीम भारतर 75 वर्ष आत्मनिर्भरशील भारत पर सरकार व्यवसायी मिलित कार्य बैठक में स्वतंत्र अतिथि भाव जोगदेवे सिंगापुर उपराष्ट्रपति टोकियो टेक रखी ओडिशा फेरिले पदक वीर विमानबंदर हॉकी खेलाड़ी को विपुल स्वागत संवर्धना परिवार सदस्यों सह उपस्थित थे क्रीड़ा मंत्री क्रीड़ा सचिव उज्ज्वला 2.0 रे गरीबों पर खुशी खबर एवं बिना आड्रेस प्रूफ रे मिल मागला उज्ज्वला कनेक्शन यूपी रे उज्ज्वला 2.0 रो शुभारंभ कले प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम रे हिताधिकारी आलोचना पाणी जनता पुलिस खंड युद्ध केन्द्रापड़ा और संबलपुर राजरास्तार लोके कहले रक्त देवु पछे पाणी देवुनि केन्द्रापड़ा जोर धरला खरस्रोता बंचा अभियान सेपटे समले सौंदर्यकरण योजना को विरोध कर संबलपुर एसपी अफिस् घेरिले शताधिक जनता महिला स्वयंसहायक गोष्ठी आकाउंट्रु टा चलु संघ सदस्यों अजाणत लक्षाधिक टंका आत्मसात जिलापा तदंत निर्देश प्रहसन प्रश्न कार्यानुष्ठान कहीं पछघुंचा प्रशासन कंपनी मालिक और ईपीएफ कमिशनर मधुचंद्रिका स्वामी मृत्यु पर मिलूनी ईपीएफ टंका कार्यालय दौड़ी दौड़ी नयांत स्त्री सेपटे वरिष्ठ नागरिक पाना हक्र पाउना एवं कूल खाऊ नागावली और वंशधारा धीरे धीरे जनवसति आड़क माड़ी नदी विपद रे रायगढ़ जिलार 47 गां विभाग अधिकारी मनमुखी कार्य और दूरदृष्टि को नहीं उठिला प्रश्न लोकसभा पारित हो 127तम संविधान संशोधन बिल एवं राज्यगुड़ी मिल सामाजिक और अर्थनैतिक दृष्टि पछुआ वर्गर नागरिकों तालिका प्रस्तुति करार अधिकार संसद में बिल सपक्ष में 386 भोट पड़ा बेले कही विरोध कर लोकसभा पारित होइछि ओबीसी संशोधन बिल सामाजिक एवं अर्थनैतिक दृष्टि पछुआ वर्गर नागरिक को चिन्हट करने राज्यगुड़ी को क्षमता प्रदान करने को संविधान रे संशोधन अणाई निजस्व जातिभित्तिक तालिका तैयारी करने राज्य और केन्द्र शासित अंचल को क्षमता प्रदान करुछि ओबीसी संशोधन बिल ओबीसी संशोधन बिल सपक्ष में 386 सांसद लोकसभा भोट देते बिल विरोध में कहीं मत देना एही बिल को एबे राज्यसभा रे उपस्थापित करा जिवो राज्यसभा रे पारित होबा परे एहा आइन रे परिणत हेबो पूर्वरु सुप्रीम कोर्ट निर्देश देतिले केवल केन्द्र ही एही वर्गर नागरिक को चिन्हट करि परिबे राज्य माने कोनोसी जाति को संरक्षण तालिका रे शामिल करि परिबे नाही बोली संसद रे आइन प्रणन होइतिबा कहितिले सुप्रीम कोर्ट एही व्यवस्था को बदलैबा पई संविधान संशोधन आवश्यकता थिबारु लोकसभा प्रथमे प्रस्ताव आगत करा जायतिला सोमवार सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एहाकु उपस्थापित करथिले कहितिले एहा एक ऐतिहासिक पदक्षेप जहां मंगलवार पारित होईछि तेबे बिल पारित हेबा पूर्वरु एहा उपरे विस्तृत भावे आलोचना करा जायतिला सरकार कहितिले एही बिल आसिबा परे राज्य सरकार गुडीकु ओबीसी लिस्ट प्रस्तुत करिबारे अधिकार मिलिबो संसद व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी कहिछंती एही बिल को पास करिबारे समस्त सदस्य सहयोग करितिबारु सेमानंकु धन्यवाद राज्यसभा रे एहर पास होई गले ओबीसी वर्गर लोकंक स्वार्थ को सुरक्षा देबारे सहायक हेबो चलित अधिवेशन रो मंगलवार थिला प्रथम दिन जेउठी शांतिपूर्ण भावे चर्चा होइथिला ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज आज अनुष्ठित होउछि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बा सीआईआई रा वार्षिक बैठक ए बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे संबोधन करिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलित वर्ष पई बैठक रा विषय वस्तु रहिछि भारत रा 75 वर्ष आत्मनिर्भरशील भारत पई सरकार एवं व्यवसायी मिलित कार्य ए बैठक आज और आसंता काली दुई दिन धरी अनुष्ठित हेबो सिंगापुर उपराष्ट्रपति अंतर्जातीय अतिथि वक्ता भाव में संबोधन करेंगे यह कार्यक्रम में बहु मंत्री वरिष्ठ अधिकारी शिक्षाविद
तथा भारतीय शिल्पर प्रतिष्ठित प्रतिनिधि माने अंशग्रहण करेंगे। ओडिशारे पहुंचले टोक्यो ओलंपिक्स रे भाग नेइथिबा ओडिया खेलाड़ी भुवनेश्वर विमानबंदर रे पहुंचिबा परे सेमानकु जोरदार स्वागत करा छे। ब्रोंज पदक विजयी अमित रोहिदास और वीरेन्द्र लाक्रांक सहित महिला हॉकी टीम रो सदस्य दीपग्रेस एक्का और नमिता टप्पो भी ओडिशा फेरिछन्ते। जापान राजधानी टोक्यो रे आयोजित विश्व क्रीड़ा महाकुंभ ओलंपिक समाप्त परे खेलाड़ी घर बाउड़ा आरंभ हो टोक्यो ओलंपिक्स रे सर्वकालीन श्रेष्ठ प्रदर्शन करिथिबा भारतीय दल गतकाली स्वदेश फेरिथिले। एही क्रमरे ओडिशा फेरिछन्ती टोक्यो ओलंपिक्स पदक विजेता हॉकी खेलाड़ी कांस्य पदक विजयी अमित रोहित दास और वीरेन्द्र लाक्रांक सहित महिला हॉकी दल दीपग्रेस एका और नमिता टोपो ओडिशा फेरिछन्ती। खेलाड़ी को भुवनेश्वर विजु पटनायक अंतरराष्ट्रीय विमान बंदर रे भव्य स्वागत संवर्धना दिया जाय छी। विमान बंदर रे राज्य क्रीडा मंत्री और क्रीडा सचिव स्वागत करिछंती। भारतीय हॉकी दल पूर्वतन अधिनायक दिलीप तिर्की खेलाड़ी को स्वागत जनाई समय विमान बंदर बाहर प्रशंसकों भिड़ लगि रही। क्रीडा विभाग अनेक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। जोरदार स्वागत दिया जाय छी। टोक्यो ओलंपिक्स से भारत पुरुष हॉकी दल इतिहास रचिछंती। दल 41 वर्ष पर सेमीफाइनल प्रवेश करबा सह ब्रोंज पदक जितिबारे सफल होइछंती। जर्मनी को 5-4 गोल रे परास्त करी पुरुष हॉकी दल कांस्य पदक जीती हॉकी रे निजर पूर्व गौरव फेराइ आनिछंती। दल रे ओडिशार दुई खेलाड़ी अमित रोहित दास और वीरेन्द्र लाक्रा सामिल थिले। सेहीपरी भारतीय महिला हॉकी दल पदक जीति पारि नथिले भी निजर ओलंपिक्स इतिहास रे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करी 130 कोटी भारतीयों हृदय जीतिछंती। दल प्रथम थर ओलंपिक्स सेमीफाइनल रे पहुंची थिला। हेले अर्जेंटीना ठारु हारी अल्पकेरु कांस्य पदकरु वंचित होइथिला महिला हॉकी दल। एही दल रे ओडिशार दुई जन महिला खेलाड़ी दीपग्रेस एका और नमिता टोपो सामिल थिले। टोक्यो ओलंपिक्स रे भारत निजर सर्वकालीन श्रेष्ठ प्रदर्शन करिछि। भारत जीति 7टी पदक एथिरे गोटे स्वर्ण 2टी रौप्य और 4 कांस्य पदक सह भारत खेलाड़ी भारत फेरिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्रकल्प विरोध रे जन आंदोलन केन्द्रापड़ा रे खरस्रोता बंचा अभियान जोर धरिथिबा बेले संबलपुर समलई सौंदर्यकरण योजना को विरोध करी संबलपुर एसपी ऑफिस घेरिछंती शताधिक पुरुष और महिला। समलई योजन होता सर्वे को विरोध करने सहित पड़ार 4 युवक को पुलिस जो गिरफ्त करी तार प्रतिवाद कर स्थानीय लोके। मंदिर 150 मीटर परिधि में उच्छेद करपड़ परिस्थिति अणायत होवु बालकाटी भारिगदा बरुणाढ़िया पंचायत जारी हो 144 धारा यह सत्वे रक्त पछे देवु हेले पा देवुना बोली अड़ बस आंदोलनकारी। प्रतिवाद बेले दुई पूर्वतन विधायकों 200 लोकों गिरफ्त कर पुलिस। एवं उज्ज्वला कनेक्शन नेबा हेबो अधिक सहज एणिक हिताधिकारी को देवाक पड़बनी आड्रेस प्रूफ। उज्ज्वलार द्वितीय पर्यायर शुभारंभ बेले एभली घोषणा करिछन्ती प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश रे आरंभ होइछि उज्ज्वला 2.0 सबड़ ओडिशार महिलांक जीवन रु भी धुआं को दूर करिछि योजना। उज्ज्वला 2.0 रे गरीबों पाई खुशी खबर। एबे बिना आड्रेस प्रूफ रे मिलिबो गैस कनेक्शन। देशर श्रमिक और गरीबों को पीएम मोदी को बड़ उपहार। एणिकी ठिकणार प्रमाण पत्र पाई एणे तेणे बुलिबाक पड़िबो नै। आगुकु केवल रहुतबा स्थानर सेल्फ डिक्लेरेशन देबाकु हेबो। यूपी महोबारे वर्चुअल माध्यम रे उज्ज्वला योजनार द्वितीय पर्यायर शुभारंभ करिछंती प्रधानमंत्री। एही अवसर रे मते कोटी कोटी माँ भौनिक आशीर्वाद मिलिछि। महिला जीवन को आलोकित करिछि उज्ज्वला योजना बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। ऐसे ही लाखों परिवारों को उज्ज्वला दूसरे चरण योजना सबसे अधिक राहत देने वाली है। अब मेरे श्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार को आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है।
आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। 2016 रे आरंभ हुई थिला उज्ज्वला योजना। लक्ष्य थिला 5 कोटी बीपीएल परिवार को गैस कनेक्शन। 2018 रे दलित आदिवासी चा बगीचार श्रमिक और अति पछुआ वर्ग को सामिल करा जायथिला। 2019 रे 8 कोटी महिला को मिलिथिला गैस कनेक्शन। चलित वर्ष अतिरिक्त 1 कोटी एलपीजी कनेक्शन देवा को घोषणा करा जायछि। कार्यक्रम रे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रमुख सामिल होइथिले। एहि अवसर रे उत्तराखंड बुंदी देवी सह कथा होइथिले मोदी। जदि ओडिशा कथा देखिबा तबे 2014 रे 19.6 लाख रु 2021 रे 90.3 लाख को बढ़िचि एलपीजी रो व्यवहार। 47.37 लाख रु अधिक हिताधिकारी योजनारु लाभ पाउछंती। लाभार्थीक मध्ये रे 45% अछंती एससी एवं एसटी। साथियों, बहनों के स्वास्थ्य सुविधा और सशक्तिकरण के इस संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। प्रथम पर्याय रे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नेतृत्व रे उज्ज्वला को मिलिथिला सफलता और प्रशंसा। महिलाओं का सम्मान, स्वाभिमान रक्षा सह सशक्तिकरण लक्ष्य रे आरंभ होइतबा ए योजना को आंतरजातिक स्तर रे भी मिलिछि प्रशंसा। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। एसएजी अकाउंट रु टंका चलु संपादक और सभापति को अजाणत रे जाल दस्तखत करी लक्षाधिक टंका उठाई नैछंती एमबीके। एभली संगीन अभियोग आसी गजपति जिला मधुसूदनपुर पंचायतर महिला स्वयं सहायक गोष्ठी 6 लाख अधिक टंका चलु परे जिलापाल घटनार तदंत निर्देश देते हैं। सुधा अभियुक्त एमबीके विरोध में कार्यानुष्ठान न होबारु पुणी जिलापाल को भेटिंट महिला संघर सदस्य डीपीएम आसिकी सब बत्ता जाक आम लेखा जाक नहीं से मैडमटा आज आउतरे नहीं तीन दिन है रिपोर्ट आईनि बोल के आम आउतरे आईलु। एसएचजी अकाउंट रु टंका चलु संघ सदस्य अजाणत अकाउंट रु उठी लक्षाधिक टंका बिना दस्तखत केमिति उठिला टंका जना पड़ा पर भी कहीं अकाउंट को फेरुनी टंका। गजपति जिलापाल को भेटिंट मधुसूदनपुर पंचायतर महिला संघर सदस्य मैंने अभियोग करजाणत संघ अकाउंट रु उठी लक्षाधिक टंका फेरस्त होते जिलापाल किंतु एवं जाए अभियुक्त एमबीके 15 दिन समय नहीं सुधा एवं जाए टंका फेरइला ना। आमर पंचायत रो ग्राम पंचायत महासंघर पैसा लोके 50,000 उठे देछि उठेबाटा मात्र एमबीके उठे देछि बंटवाटा बीपीएम दे देछि बोल कोछंते सीएलएफ रो पैसा भी चिंतागा 4-5 टा सीएलएफ रो 50 ओसे एमति करके पैसा उठे देछि हम पैसा हम कासवा पे चेष्टा करछु। एबे सुनतु पूरा घटना मधुसूदनपुर ग्राम पंचायत रे गत 5 तारीख रे संघर सभापति जानवा को पाइले जे समानक अजाणत रे अकाउंट रु 1,46,000 टंका के उठाई नैछंती। केवल तांक अकाउंट नुहे एकाधिक अकाउंट रु प्राय 6,90,000 टंका चलु कर दैछंती सेठिकार स्थानीय एमबीके। सभापति और संपादक को अजाणत रे जाल दस्तखत करी उठिछि टंका अभियोग पर जिलापाल तदंत निर्देश दैछंती। तबे महिलाक अभियोग को खंडन करिछंती एमबीके। ट्रेनिंग पैसा कौचि ताके बीपीएम काढला बोलकर कौचि से बैंक मैनेजर मजो मु सीटा एडजस्ट करबे बोली कोइला बोलकी ताके कौचि सेडा जो बीपीएम बिना रेजुलेशन रे मत कहिथिले बे सब करिया को मु बीपीएम जा कहचि ताहा करचि सब रेजुलेशन रे बिन तांकर कथा बिना हम किछ करि पारनो तांक जा कहला हम ताहा करचो एहा संपूर्ण मिथ्या अटे। कौन से उपरिस्थ अधिकारी तल कर्मचारी मानक ये भूल कार्य करने को दिए ना आ तल कर्मचारी यानी यह करते से संपुक्त अच्छा कहीं अंडर आम एस एच जी माँ गुड़ाक अच्छा भलमंद बुझापी से जिपी लेवल एस एच जी मान कार्य करने रही तेणु आम से जहाँ से एस एच जी माँ मान उन्नतिपाई जोड़ा दौचु से जिनसर भूल उपयोग होता के कौन से उपरस्थ अधिकारी तल कर्मचारी को कहे ना। जिलापाल निर्देश क्रमे मुझे आसी ये एम एसपुर जिपीएलएफ अफिस माँ मान सहित तो आलोचना करुच्छी से बाबद से अभियोग आई तो तदंत आरंभ हो तदंत संपूर्ण होनी
ଯେତେବେଳେ ଆମର ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆମର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? କେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରିବ ଟଙ୍କା? କେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏମ୍ବିକେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କୂଳ ଖାଉଛି ବଂଶଧାରା ଓ ନାଗାବଳୀ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ନଦୀ। ଏହି ଦୁଇ ନଦୀର ଆଁରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 47 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନଦୀରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଦ ହୋଇପାରୁନି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଲୋକେ। ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦିନ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ନଈକୁଳିଆବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ। ଖାଉଛି ବଂଶଧାରା ଓ ନାଗାବଳୀ, ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 47 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ। ନଈକୁଳିଆବାସୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ। ପ୍ରଶାସନର ନିରବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣୀ ସିଂହପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ବହୁ ଗାଁ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ନଦୀ ନିଜ ଗର୍ଭକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷଜମି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଫଳରେ ଏବେ ଅନେକ ଚାଷୀ ପରିବାର ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ନଦୀବନ୍ଧ ହୋଇନଥିବାରୁ ବହୁ ଗାଁ ଏବେ ବିପଦରେ। ବିଶେଷ କରି ରାୟଗଡ଼ା ସହରର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହିଥିବା ଅଣ୍ଟାରିଗୁଡ଼ାବାସୀ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାରିଗୁଡ଼ା ବସ୍ତି ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରିଛି। ହିଡ଼ଯାକ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ 50 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ଗାଁକୁ ନଦୀକି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ନଦୀଟା କେମିତି ଖାଇଦେଇଛି, ଗାଁଟା ଏତେ ଦୂର ଅଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ନଦୀଟା ପଳାଇ ଆସିଲେ ମାଡ଼ି ବସିବ ବୋଲି ଡର ଆମକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଯେଉଁଟାକି ନଦୀ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଲ କରିଥାଉଛୁ, ଫସଲ ଉପରୁ ପାଣି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫସଲ ଉପରୁ କ'ଣ ମାନେ ବାଲେ ଫୁଲ ପାଣି ଆସିଲା ବେଳେ ଫସଲ ଉପରୁ ବାଲି ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଳ ଖାଉଛି ବଂଶଧାରା, ବଂଶଧାରା ଲୀନ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଆତଙ୍କିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୁଣପୁର ଓ ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମିଶିଯାଉଛି ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ବଂଶଧାରାରେ ପାଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସେହିପରି କଲ୍ୟାଣୀ ନଦୀ କୂଳ ଖାଉଥିବାରୁ ନଦୀକୁଳିଆ ଲୋକେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ, ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ମିଳେ, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଯାଏ। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆସିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସବୁ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କିଛି କରିବାଟା ନାହିଁ। ନଦୀ ଏମିତି ବୁଶୁଡ଼ିକି ଆସୁଛି ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଆମର ଯଦି ନଦୀ ଆସୁଛି ସେ ପାଣି ଖାଇକି ସେ ନଦୀ ଯାକ ବୁଶୁଡ଼ୁଛି। ଆମର ଗାଈ କେତେ ପଡ଼ିଗଲା, ମଇଁଷି କେତେଟା ପଡ଼ିଲା, ଲୋକ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପରଦିନ ଜଣେ ଲୋକ ବାସିକି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଲେ। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହିଯାଉଥିବା 3ଟି ନଦୀ ନାଗାବଳୀ, ବଂଶଧାରା, କଲ୍ୟାଣୀ, ଏହି ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯାଏ। ଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିବା ସହିତ ଅନେକ ଗାଁ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାର କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ସହିତ ଅନେକ ଗାଁ ଏହି 3 ନଦୀ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ରାୟଗଡ଼ା ନାଗାବଳୀ ସେତୁର ଅଜୟ ରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ହକ୍ର ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଲଢ଼େଇ। ପ୍ରାପ୍ୟ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ତ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ଇପିଏଫ୍ ଅଫିସ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହିତାଧିକାରୀ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ, ଛାତିରେ ଛାତିଏ କୋହ, ପାଖରେ 6 ବର୍ଷର ପୁଅ, ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ବସିଛନ୍ତି ଇପିଏଫ୍ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ। ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ଦେବା ସହ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ବୋଝ। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ରାଉରକେଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁ
2 ବର୍ଷ 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସୁଶାନ୍ତ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଧୁନିକ ମେଟାଲିକର ଏଚଆର ସେକ୍ସନରେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଇପିଏଫ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତି। କେବଳ ପ୍ରଭାତି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଇପିଏଫ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାଲା କହିଲେ କି ପିଏଫ ଭରିନି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପିଏଫ ଭରିନି, ତ ଆମେ ସାଇନ୍ କଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ ସାର୍, ମୁଁ ଏକଲା ବି ଏତେଥର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେଥର ପଚାରିଲୁ ସେ ଖାଲି ସେତିକି କହିଲେ କି ଆମେ ସାଇନ୍ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଇସା ନ ଭରିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବୁନି। ସାର୍, ସ୍ୱାମୀ ହଜବେଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ ପିଏଫ ପଇସା ପାଇଁ ବୁଲିଛି। ଛୁଆମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଛି, ଏବେ ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ବି ପଇସା ପତ୍ର କି ପେନ୍ସନ୍ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲୁଛି, ରେଲୱେରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର କାମ କରୁଥିଲେ। ଅଫିସର କିଏ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତ କିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉ କିଏ ବିଧବା, ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ହକ୍ ଇପିଏଫ ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇପିଏଫ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଏବଂ ଠିକାଦାର, ଏପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହକ୍ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଇପିଏଫ କମିଶନର। ବସିଛି ମୋର ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା, ରିଟାୟାର୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି। ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏଫ ଅଫିସକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ପେନ୍ସନ୍ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୋତେ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଚୁଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ 11 ବର୍ଷର ସର୍ଭିସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ପଇସା କହୁଛନ୍ତି 8.5 ବର୍ଷର ଜମା ହୋଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାସ ହୋଇକି ବୁଲୁଛି, 6 ମାସ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇସାରିଲିଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯେ ମୋର ପେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ପାଇବା କଥା ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଏତିକି ଦିନ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ମୋର ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା କାମ କରୁ କରୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଠି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇପିଏଫ କମିଶନର? କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଇପିଏଫ ଅଧିକାରୀ? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ରଣନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପରେ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜେଏମ୍ବିର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଏଭଳି ନୂଆ ପାଟର୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ନୂଆ ରଣନୀତି, ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହି ଫସାଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଝିଅଙ୍କୁ, ବଦଳାଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ, କରାଯାଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ, ବିବାହ ଓ ପ୍ରେମ ନାଁରେ କରାଯାଉଛି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ, ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ମନରେ ଭରାଯାଉଛି ବିଷ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଶା ଉର୍ଫ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଗିରଫ କଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣା ଖେଳର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ରଣନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପରେ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜେଏମ୍ବିର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ହୋଇଛି ଏହି ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା। ଏହା ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାଠାରେ ଜମାତ ଉଲ୍ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ବାଂଲାଦେଶର ସଦସ୍ୟା ଆୟେଶା ଜନ୍ନତ ଉର୍ଫ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦେବନାଥ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ଓ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ କରାଯାଉଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର କେଶବପୁର ଗାଁର ଝିଅ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ନିଜର ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଇସଲାମ ଆପଣାଇବା ସହ ଆୟେଶା ଜନ୍ନତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ଆୟେଶା ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜମାତ ଉଲ୍ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଷ ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆୟେଶା ଉକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂସ୍ଥାର ମହିଳା ସଂଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି କାମ କରୁଥିଲା। ଉକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଟାର୍ଗେଟରେ ଭାରତ ଥିଲା। ହେଲେ ଗତ 2020 ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ଆୟେଶା ଢାକା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ପୁଣି ଆଉ 3 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିପଦଜନକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା ଯେ
प्रज्ञा देवनाथ भली झियो मानकु आयसा जन्नतरे परिणत करबा पई किपरि गभीर षड्यंत्र हेउछि। किछि दिन तळे कोलकाता पुलिस रो एचटीएफ नजीउर रहमान, मेकल खान और रबीउल इस्लाम नामक तीन जन आतंकवादी संगठन जेएमबी रो सदस्य को गिरफ्त करिछि। पचरा उचरा परे जना पड़िछि जे सेमाने पश्चिम बंग रे अनुप्रवेश करबा परे सेमानकर मुसलमान परिचय को लुचाई हिंदू बोली परिचय दे हिंदू झियमानकु फसाई सेमानकु विवाह करिवार योजना करूथिले। एई घटना परे आतंकवादी संगठनर नुआ पैटर्न सामना को आसीछि। एबे आतंकवादी संगठन माने निजर सदस्य मानक परिचय लुचाई हिंदू झियमानकु टार्गेट करिवा योजना रे काम करछंती। इंटेलिजेंसी एजेंसी मानकु चकमा देबा पई सेमाने एपरि कार्य करछंती। एहा परे झियो मानकर माइंड वॉश करी सेमानकु आतंकवादी घटना रे आतंकवादी कार्य रे लिप्त कराउछंती। एहा एक अत्यंत विपज्जनक ट्रेडिंग, एहा को नै सावधान हेबार आवश्यकता रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। डाहाणी संध्यारे वृद्धा महिला और तांका झियो को हाथ गोड़ बांधि माड़ और निर्यातना, एभली घटना घटी खुंटा थाना गड़ीगा ग्राम रे। गड़ीगा जब्बा हसदा ओ झियो निज घर बारंडारे बसिथिले। ए समय रे ग्रामर 6-8 जन युवक हठात तांगो घर को आसी उभय मां एवं झियोर हाथ बांधि दे खुंटरे बांधिबा सह उभयंकु निस्तुक माड़ मारिथिले। जबा हस्ता डाहाणी होई तांकर अनिष्ट करिछिन्दि बोली कहिबा सहित निर्यातना देथिले उक्त युवक माने। एहा परे युवक माने उभय मां ओ झियोंकु 24 घंटा भितरे गां छाड़ नहले उभयंकु जीवन रो मारिदेबे बोली धमक देछिन्थे। एहा परे जबा हस्ता एवं तांक झियो एने खुंटा थाना रे अभिजोग करिछन्ते। समस्त रिछि प्रथम खबर केठ रखुछु, नमस्कार।